तो हेडिंग देंगे एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ? लेट एबीसी बी थ्री नंबर्स, ठीक है, एबीसी बी थ्री नंबर्स, देन थ्री नंबर्स इन एपी, एबीसी बी थ्री नंबर्स इन एपी, देन बी इज सेड टू बी, बी इज सेड टू बी एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। मतलब कंडीशन क्या बन गई? एपी की कंडीशन क्या होती है? बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू। तो मतलब इक्वल टू एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला करके इसको ध्यान में रखना है, एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, मतलब बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय, ठीक है, b इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एक पैटर्न और आता है, टू इंसर्ट एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मतलब कोई भी दो नंबर ए और बी दिए गए उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में हमको एन एरिथमेटिक मीन को हमने इंसर्ट करना, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, लेट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बी एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो जैसा अरिथमेटिक मीन का हमारा डेफिनेशन है, अगर तीन नंबर एपी में है तो मिडिल वाला बनता है अरिथमेटिक मीन। तो मतलब ओवरऑल मतलब क्या है, अगर नंबर्स एपी में है तभी जाके हमारा अरिथमेटिक मीन आएगा, ठीक है। तो अगर ए और बी के बीच में हमने एक्स वन से लेकर एक्स एन तक एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, इसका मतलब क्या होगा? इट इंप्लाइज दैट ए एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन एंड बी आर इन एपी, ठीक है, ए एक्स वन एक्स टू एक्स एन अप टू बी दे आर इन एपी, ठीक है। तो ये हमारा एपी में हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पर इन सब की वैल्यूज को हमने निकालना है, मतलब किस तरीके से निकलेगा, तो हमारे पास हो जाएगा देयरफॉर द एपी हैज, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए यहां से लेके यहां तक एन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एपी हैज एन प्लस टू टर्म्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? एन प्लस टू। तो ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन, ठीक है, ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, ठीक है, ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, मतलब डी इक्वल टू क्या बना? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, क्या बन जाएगा? डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, बन गया हमारा b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये हो गई हमारी d की वैल्यू। अब d की वैल्यू हो गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या करना है? पहले निकालो x1, x1 का मतलब हो गया a प्लस d, x1 का मतलब हो गया a प्लस d, तो बना a प्लस b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है।
यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है या 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, इस टाइप से हमने करना है, ठीक है। तो ये बना a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एक्स टू की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो बनेगा a प्लस 2d, मतलब a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। x3 अगर मुझे चाहिए तो बनेगा a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एंड उसी तरीके से अगर xn तक की वैल्यू चाहिए तो बनेगा a प्लस nd, a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा बात को समझना। यहाँ क्या दिया हुआ है, टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन को मुझे इंसर्ट करना है, तो मैंने ए एंड बी मैंने दो नंबर लिया, उनके बीच में मैंने एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन को मैंने इंसर्ट किया। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन मैंने बताया था कि तीन नंबर अगर एपी में है तो मिडिल वाला नंबर, ठीक है, तीन नंबर अगर एपी में है तो मिडिल वाला नंबर हमारा अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ए एक्स वन एक्स टू एक्स एन एंड बी आर इन एपी, ये सबके सब किस में हो गए, एपी में हो गए, ठीक है, ये सबके सब किस में हो गए, एपी में हो गए। अब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक्स वन से लेकर एक्स एन तक टोटल हो गया एन, ए हो गया वन, बी हो गया वन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए एन प्लस टू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए एन प्लस टू। तो बन जाएगा फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह क्या बना एन प्लस टू, तो बन गया एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, तो d इक्वल टू बना b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एक्स वन की वैल्यू हो गई a प्लस डी, एक्स टू की वैल्यू a प्लस टू डी, एक्स थ्री की वैल्यू a प्लस थ्री डी, अप टू एक्स एन की वैल्यू हो गई a प्लस एन डी, ठीक है। तो इस पैटर्न के थ्रू, ठीक है, इस पैटर्न के थ्रू हम यहाँ पर पूरे n अरिथमेटिक मीन को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा अगला जो एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है, ये पूरा का पूरा हमारा जो है सब इसी पे बेस्ड है, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। नोट करो जरा तुम लोग, तो हमारे पास हो जाएगा अब आ रहे हैं हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज जो दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस को अब हम कर रहे हैं, ठीक है। वो है हमारा एक्सरसाइज 9.4। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है सब अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड है। इंसर्ट थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन माइनस 18 एंड 4, ठीक है, थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन माइनस 18 एंड 4। तो मतलब लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन माइनस 18 एंड 4, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट थ्री माइनस 18 है ना, पहले माइनस 18 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फोर आर इन एपी। जो मैंने फॉर्मूला जिस तरीके से बताया उसी तरीके से सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, पांच, तो माइनस 18 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। एपी का फॉर्मूला लग गया, उसका पांचवा टर्म है, तो बन जाएगा 4d इक्वल टू 18 प्लस 4 हो गया 22, d इक्वल टू बन गया 11 बाय 2। अब क्या चाहिए, x1 का मतलब
माइनस 18 प्लस डी, तो बना माइनस 18 प्लस 11 बाय 4, 18 फोर जा 52 प्लस 11 बाय 4, तो हमारे पास क्या हो गया माइनस 11 बाय 2 आएगा सर बाय 4, ठीक है। ये बन गई x1 की वैल्यू, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 11 बाय 2 आएगा, 11 बाय 2 आएगा सर, ये 11 बाय 2 है, 11 बाय 2 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 11 बाय 2 है, यहाँ पे भी थोड़ा हमारा इसलिए बोला कुछ गड़बड़ हो गया है। तो 11 बाय 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, माइनस 36 प्लस 11, तो बना हमारे पास माइनस 25 बाय 2, ठीक है। x2 हो जाएगा माइनस 18 प्लस 2d, तो बना माइनस 18 प्लस 2 इंटू 11 बाय 2, कट गया माइनस 18 प्लस 11 मतलब माइनस 7 हो गया सेकंड टर्म। नेक्स्ट हो गया x3, x3 का मतलब हो गया माइनस 18 प्लस 3d, मतलब माइनस 18 प्लस 3 इंटू 11 बाय 2, तो बन गया एलसीएम में हो गया 2 माइनस 36 प्लस 33 मतलब माइनस 3 बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास तीन हो गए एरिथमेटिक मीन, एक हो गया माइनस 25 बाय 2, दूसरा माइनस 7, तीसरा माइनस 3 बाय 2, ठीक है। एक बार पैटर्न को और समझ लो, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, जो बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का है सबको सेम। माइनस 18 और 4 के बीच में तीन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना था, तो बना माइनस 18, x1, x2, x3 एंड 4 आर इन एपी, तो बना ये फोर्थ क्या है एपी का फिफ्थ टर्म है, तो माइनस 18 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, डी इक्वल टू बन गया 11 बाय 2, x1 बन गया माइनस 18 प्लस 2 डी, मतलब x1 की वैल्यू हो गई माइनस 25 बाय 2, x2 बन गया माइनस 18 प्लस 2d मतलब बन गया माइनस 7, x3 बन गया माइनस 18 प्लस 3d मतलब बन गया माइनस 3 बाय 2, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक दो तुम कर लेना, ठीक है। तो इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस is in AP, ठीक है। जो resulting sequence होगा वो AP में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो pattern वही है, let अब वो रिजल्टिंग सीक्वेंस तो एपी में बनना ही है, क्योंकि ये हमारा डेफिनेशन ही होता है, कहीं लिख देगा कहीं नहीं लिखेगा उसको, ये ऑब्वियस है, ये होना ही है, ठीक है। तो लेट x1 x2 अप टू x6 आर 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 24, ठीक है, बिटवीन 3 एंड 24, तो इसके हिसाब से बन जाएगा 3 x1 x2 अप टू x6 एंड 24 आर इन एपी बन गया। तो ये हमारा हो गया एपी।
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गया, x1 से लेकर x6 तक हो गया 6 और 2 8, तो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24, 7d इक्वल टू 24 माइनस 3 मतलब 21, तो बन गया d इक्वल टू 3, ठीक है, तो बन जाएगा x1 इक्वल टू 3 प्लस d मतलब 6, x2 इक्वल टू 3 प्लस 2d मतलब 9, x3 इक्वल टू 3 प्लस 3d मतलब 12, x4 इक्वल टू 3 प्लस 4d मतलब 15, x5 इक्वल टू 3 प्लस 5d इक्वल टू 18, x6 इक्वल टू 3 प्लस 6d मतलब 21, ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। चलो अब हम कर रहे हैं इसके आगे का, क्योंकि पैटर्न सेम ही है तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर एन एपीज एंड अरिथमेटिक मीन, बिटवीन 7 and 85, सच दैट यहां पूरा एक्स एन तक ले गया है, ठीक है, तो उसके साथ कुछ n की वैल्यू निकालने का कुछ पैटर्न आएगा हो सकता है। द n माइनस 3th मीन अपॉन nth मीन इक्वल टू 11/24 फाइंड n, ठीक है, हमने यहां पर n की वैल्यू को निकाला, लेट x1, x2 up to xn be an arithmetic mean between 7 and 85. 7, x1, x2, xn and 85 are in AP. So 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 85, n प्लस 1 इनटू d 85 माइनस 7 मतलब बन गया 78, d इक्वल टू बना 78 अपॉन n प्लस 1। अब किसकी रिक्वायरमेंट है, x ऑफ n माइनस 3, x ऑफ n माइनस 3 ये बनेगा 7 प्लस, देखो जब हमारे पास पैटर्न क्या था, x1 था a प्लस d, x2 था a प्लस 2d, xn होगा a प्लस nd, तो x ऑफ n माइनस 3 क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू d, 7 प्लस n माइनस 3 इंटू d, 7 plus n minus 3 into 78 upon n plus 1, x of n ये बनेगा 7 plus nd, तो 7 plus n into 78 upon n plus 1,
इन दोनों का रेशियो हमारे पास किधर है? ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास गिवन है। पहले एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एन प्लस वन सेवन एन प्लस सेवन सेवेंटी एट एन माइनस सेवेंटी एट इंटू थ्री, मतलब एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन प्लस फोर टू फिफ्टी फोर। तो हमारे पास ये बन गया 7n plus 78, मतलब वही बन गया दोबारा 85 minus 254 है, तो ये बन जाएगा 247 85n है minus 247 upon n plus 1, ये हमारा बन। ठीक है, नेक्स्ट बन गया, नीचे हो गया n प्लस वन, बन गया 7n प्लस 7 प्लस 78n 85n अपॉन n प्लस वन। इन दोनों का रेशियो हमारे पास गिवन है, हम उसी का यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास गिवन है x ऑफ n माइनस थ्री अपॉन एक्स एन इक्वल टू 11 अपॉन 24। इक्वल टू 11 अपॉन 24, तो बन जाएगा हमारे पास 85n माइनस 247 अपॉन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 85n तो ये टर्म हमारे पास हो गया बस अब हमको इसको सॉल्व करके सारी वैल्यूज को हमको निकालना है। ठीक है, तो बन जाएगा 24 85n माइनस 247 इंटू 24 11 इंटू 85n प्लस 77। इनको एक साइड लाते हैं, ट्वेंटी फोर माइनस इलेवन टू फोर्टी सेवन इंटू ट्वेंटी फोर प्लस 77। ये बन गया हमारे पास 13, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो कर लो मल्टीप्लाई करके, तुम लोग भी देख लो 247 5928 224 प्लस 77 कितना हो गया 6005 तो हमारे पास हो गया n इक्वल टू 6005 डिवाइडेड बाय 13 इनटू 85 6005 divided by 85 divided by 13 approximately 6 आना चाहिए।
ज्यादा पॉइंट में आ गया मेरे पास, कैंसिल करते हैं पहले, ये 5 से जाएगा 17, 5 से जाएगा ये हमारा 5 1 जा, फिर 5 2 जा 0 1, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 13 से जाएगा 1 2 0 1, डिवाइडेड बाय 13, 90, ये पॉइंट में आ रहा है हमारा। डिवाइडेड बाय 17, तो ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली हमारी 5.5 आ रही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5.5 आ रही है। तो 5.5 होने की वजह से हमारे, क्योंकि नंबर ऑफ कौन से नंबर में मीन में होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, मतलब आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 6, और यही आंसर हमारा दिया हुआ, ठीक है, n इक्वल टू 6 हमारा आंसर गिवन है, ठीक है। एक मिनट जरा रुक जाना, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर लाना है, तो आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है, ठीक है, एक मिनट, 5.5 है, हाँ ठीक है, 5.6 देख लेना एक बार वैल्यू रख करके, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 17, ठीक है, द रेशियो ऑफ, सेम पैटर्न है, फर्स्ट द रेशियो ऑफ लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज 3:1, फाइंड एंड एन की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 x1 x2 and 17 आर इन AP, हो गया, दे आर इन AP। आज कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, हो गया, दे आर इन AP, तो बन जाएगा 3 + दिस इक्वल टू 17,
n plus 1 d equal to 14, d equal to बन जाएगा 14 upon n plus 1, हो गया 14 upon n plus 1. लास्ट में xn बनेगा 3 plus nd LCM ले लेंगे 3n plus 3 plus 14n 17n plus 3 upon n plus 1 yeah. Next है first mean x1 बनेगा 3 plus d तो बना 3 plus 14 upon n plus 1 तो बनेगा 3n plus 17 upon n plus 1. अब रेशियो क्या दिया हुआ है xn upon x1 xn upon x1 equal to okay xn upon x1 equal to 17n plus 3 upon n plus 1 divided by 3n plus 17 upon n plus 1. This equal to dia by 3 by 1 तो बन जाएगा हमारा 17n plus 3 3 into 3n plus 17 17n plus 3 9n plus 51 17n minus 9n equal to 51 minus 3 मतलब 48 17 minus 9 मतलब 8n equal to 48 n equal to हो गया 6 इसमें हमारा आ गया x items ठीक है नेक्स्ट एक काम कर रहा हूँ मैंने बोला था कि पांच क्वेश्चन में करा दूंगा ठीक है तो चार तक तो मैंने करा दिया उसके बाद पांचवा और सातवा नंबर क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ मैं छठे नंबर क्वेश्चन को कर रहा हूँ ठीक है पैटर्न ये है कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो हम स्टार्ट करेंगे थैंक यू सर क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 तो टाइम है क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज n times the sum of arithmetic mean between A and B. तो पहले ए एम बिटवीन ए एंड बी ये बना ए प्लस बी बाय टू फॉर्मूला था
xn and b. Are in AP? A plus n plus 1 into d equal to b. D equal to bana b minus a upon n plus 1. Okay, b minus a upon n plus 1. X1 ban gaya a plus d. X2 ban gaya a plus 2d. Xn बन गया a plus nd. तो x1 plus x2 up to xn a plus d. बाद में d की वैल्यू रखेंगे. ए कितनी बार है? एन टाइम्स है. डी बन गया वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन टाइम्स. तो बन गया एन ए प्लस डी इनटू एन एन प्लस वन बाय टू. तो बन जाएगा, बस हो गया हमारा रिजल्ट. हाँ, तो दिस इक्वल टू एन ए प्लस एन बाय टू एन प्लस वन इनटू डी की जगह क्या आएगा? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन. कैंसिल हो गया, नीचे आ गया टू. तो टू टाइम्स ऑफ एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए. टू एन ए माइनस एन ए क्या बना? एन ए प्लस एन बी बाय टू, मतलब एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाय टू. यही हो गया, मतलब एन टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मतलब एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाय. ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसके रह गए हैं, वो तुम लोग कर लेना. अगली क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगली क्लास में हम स्टार्ट करें. ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. चलो बाय.